दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कितनी कॉपीज में बनाने हैं ये टैक्स इनवॉइस। आप देखते हैं ना, जब मैनुअली किसी की बिल बुक देखते हैं आप, तो उसके फर्स्ट कॉपी होती है, फिर डुप्लीकेट कॉपी होती है, फिर ट्रिप्लीकेट कॉपी भी होती है। तो जीएसटी लॉ क्या कहते हैं इसके बारे में, जीएसटी रूल्स क्या कहते हैं सॉरी, कि हमें कितने इनवॉइसेस, कितने पर्टिकुलर कॉपीज बनाने चाहिए इनवॉइसेस की। तो दोनों चीज़ों के बारे में, गुड्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में अलग अलग बताया गया है। फॉर गुड्स यू हैव टू प्रिपेयर थ्री कॉपीज, तीन कॉपीज आपको रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी इज कॉल्ड डुप्लीकेट कॉपी, थर्ड कॉपी इज कॉल्ड ट्रिप्लीकेट कॉपी। फर्स्ट कॉपी इज फॉर द कस्टमर, यू नो कस्टमर इज द किंग, तो ओरिजिनल कॉपी उसको देनी है कस्टमर को, तो ओरिजिनल कॉपी इज फॉर द कस्टमर। सेकेंड कॉपी इज फॉर द ट्रांसपोर्टर, क्योंकि आप गुड्स को डिलीवर कराते हैं या गुड्स कहीं पर भी मूव करते हैं किसी भी तरीके से, तो ट्रांसपोर्टर के पास सेकेंड कॉपी होनी चाहिए। एंड द थर्ड कॉपी इज फॉर द सप्लायर हिमसेल्फ, क्योंकि उसके लिए, उसके रिकॉर्ड के लिए होनी चाहिए। कभी भी जीएसटी ऑफिसर आकर या जब कभी भी उसका ऑडिट होगा, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि उसने कितनी सप्लाई करी है, तो वी हैव टू चेक द बिल्स ऑल्सो। तो थर्ड कॉपी हमारे अपने लिए होती है, सप्लायर के लिए। तो आई एम रिपीटिंग, गुड्स के लिए हम तीन कॉपीज लेंगे, ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देंगे, सेकेंड कॉपी ट्रांसपोर्टर को, थर्ड कॉपी हम अपने पास रिटेन करेंगे। सर्विसेज के केस में ओरिजिनल कॉपी कस्टमर की, सेकेंड कॉपी ट्रांसपोर्टर, तो कुछ होता नहीं है सर्विसेज में, सर्विसेज तो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करती नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ दो कॉपीज चाहिए। फर्स्ट कॉपी इज फॉर द रिसीवर, रिसिपिएंट के लिए, कस्टमर के लिए, सेकेंड कॉपी इज फॉर द सप्लायर। तो हमारे यहाँ पर गुड्स के लिए तीन कॉपीज और सर्विसेज के लिए आपको दो कॉपीज बनानी पड़ेंगी। चलिए पढ़ते हैं।